जय हिंद। मैं शाइनीज कॉमर्स कॉलेज का विद्यार्थी और 20th गुजरात बटालियन एनसीसी का कैडेट काशिद जीएस आज आपको ओपन डेफिकेशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ओपन डेफिकेशन का मतलब है हम जो खुले में शौच करते हैं उसके बारे में। खुले में शौच करने से काफ़ी तरह की बीमारियाँ फैलती है। हम एनसीसी कैडेट्स काफ़ी टाइम बाहर जाके अवेयरनेस भी कर चुके हैं इसके बारे में कि इससे कितनी खतरनाक बीमारियाँ फैल सकती है, जैसे पोलियो, हेपेटाइटिस, कॉरेला, टाइफॉइड जैसे सारी वाटरबोन डिजीजेज। जैसे हम बाहर अभी डेफिकेशन कर रहे हैं या कोई भी एरिया में जहाँ पब्लिक कर रहे हैं डेफिकेशन, वहाँ से सारी नदियाँ जो बहती है, नाले जो बहते हैं, वो सारे आके हम उसी का पानी पीते हैं। फिर वही सारा वाटर सप्लाई जो हमें गवर्नमेंट सप्लाई करती है, तो उससे काफ़ी सारी बीमारियाँ फैल सकती है। और ये बीमारियाँ खास करके बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है। और इंडिया में खास करके क्या रीजंस है, चलो इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में ही ये रीजंस है कि सबसे पहला तो है नो टॉयलेट्स, जहाँ ज़्यादा टॉयलेट्स ही नहीं बनाए गए हैं। फिर दूसरा जो रीज़न है वो लैक ऑफ सैनिटेशन। सैनिटेशन के बारे में लोगों को बताया नहीं जाता है, टॉयलेट्स कैसे यूज़ करने हैं वो लोगों को पता नहीं है। खास करके ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये ज़्यादा वाटरबोन डिजीजेस फैलते हैं। एक स्टैटिस्टिक से ये भी पता चला है कि 2019 में 673 मिलियन पीपल ओपन डेफिकेशन करते पाए गए थे। और हम बात करें तो कैसे अभी हम ओपन डेफिकेशन रोक सकते हैं, तो पहला तो है पॉलिटिकल विल। तो सारे कंट्रीज के जो गवर्नमेंट्स है वो सारे इसके लिए कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं कि इससे काफी हद तक ये कम हो जाए। दूसरा जो है वो है सैनिटेशन। सैनिटेशन में मैंने आपको पहले ही बताया कि लोगों को बताना है कि कैसे यूज है, कैसे फायदे हैं टॉयलेट के, वो है। और तीसरा है स्ट्रॉन्गर विल पावर सबका, कि सबको टॉयलेट्स यूज करने ही है, क्योंकि किसी की आदत बन जाती है कि बाहर जाके ही डेफिकेट करे। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो हमें लोगों को समझाना है कि टॉयलेट्स का क्या यूज है। फिर दूसरा जो है, एक उसमें ये पाया गया है कि 2000 से 2000 से 2017 में इंडिया में आधा पॉपुलेशन जो डेफिकेट पहले बाहर करता था वो कम हो गया है। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू किया था उसके तहत हमें काफी कम स्टेटिस्टिक्स देखने मिले हैं। तो मैं भी सबसे यही दरख्वास्त करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ये चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाए, क्योंकि ये चीज काफी बुरी है हमारे एनवायरमेंट के लिए। सिर्फ हमारे इंसानों के लिए नहीं, हमारे पूरे एनवायरमेंट के लिए भी ये काफी प्रॉब्लमेटिक है एक चीज। जय हिंद, धन्यवाद।